हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विक्रम। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे, देख लीजिए, ट्रांसफॉर्म विद पुश ऑफ बटन रिमोट कंट्रोलेड ट्रांसफॉर्मिंग कार। देख लीजिए, मॉडल है सुपर फास्ट। इसके अंदर टू इन वन यूज़ कर सकते हैं अपन, ट्रांसफॉर्मिंग के जैसा भी यूज़ कर सकते हैं, रिमोट कंट्रोल कार के जैसा भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊँगा आपको। देख लीजिए मॉडल, ये टाइप में मॉडल दिया हुआ है, सुपर फास्ट रिमोट कंट्रोलर ट्रांसफॉर्मिंग कार। इसके अंदर फंक्शंस की बात करें, देख लीजिए इधर फंक्शन दिया हुआ है, रेडियो कंट्रोल, सिमुलेटर, मॉडल ए की मॉडिफिकेशन, प्लस कार मॉडल, डिस्चार्जेबल बैटरी के साथ आती है। इसके अंदर साउंड भी आएगा, लाइटिंग भी आएगी। ओके, इधर फंक्शन लिखा हुआ पूरा आप देख सकते हैं। उसके बाद में अपन इसको देखेंगे एक बार उल्टा करके, इसके अंदर बैटरी वगैरह कैसे है, देख लीजिए इधर दिया हुआ है 3.7 वोल्टेज की इसके अंदर बैटरी मिलेगी अपने को, चार्जेबल बैटरी, मेड इन इंडिया की कंपनी है। इसके अंदर देख लीजिए मॉडल इधर दिया हुआ है, मैंने अपने पास ये मॉडल है, ठीक है, इसको आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊँगा। उसके बाद में अब इसको ओपन कर लेते हैं अपन। चैनल के ऊपर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। अभी इसको बाहर निकाल देंगे बॉक्स से। बॉक्स से बाहर निकाल रहा हूँ। देख लीजिए, ये निकाल दिया अपन ने बाहर। ये देख लीजिए मॉडल, ये इसके साथ में अपने को रिमोट मिल जाता है, बहुत ही अच्छा दिया हुआ रिमोट, ठीक है, रख देंगे। इसके साथ में अपने को यूएसबी केबल मिल जाती है जो चार्जिंग करने के लिए, ठीक है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है 3 आइटम के अलावा। ये देख लीजिए कार, ट्रांसफॉर्मिंग कार, ये मॉडल दिया हुआ इसका ऐसा। कैसा लगा आपको मॉडल, इसको अभी बैटरी डाल के अपन चला के दिखाएंगे आपको। ओके, इसको ओपन कर लेता हूँ। इसका लॉक सिस्टम दिया हुआ है, ये देख लीजिए इसके अंदर बैटरी है, 3.7 वोल्टेज की बैटरी है, ठीक है। इसको रिटर्न नंबर लॉक कर देंगे, लॉक कर दिया, ये देख लीजिए ऑन हो गया, ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है इधर। इसके साथ में अपन रिमोट के अंदर बैटरी लगाएंगे, 2 AA बैटरीज लगेगा इसके अंदर। इसके अंदर आपको एक छोटे से स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ओपन करने के लिए, रिमोट में बैटरी लगाने के लिए। ओपन कर लिया है मैंने, बैटरी लगा दूंगा अभी, 2 बैटरीज लगा रहा हूँ मैं डबल ए। ओके, दो बैटरी लगा दिया मैंने इसके अंदर, देख लीजिए लाइटिंग आ रही है इसके अंदर। इसको ऑन कर देंगे। ओके, बैटरी लगा दिया इसके अंदर अभी अपन ने, अभी इसको चलाएंगे। अभी रोबो का जैसा है, ये देख लीजिए इधर बटन दिया हुआ है, कार का ऐसा कर देंगे। इधर नहीं चलेगा क्योंकि इधर घास के जैसा दिया हुआ है, इसको इधर चलने में प्रॉब्लम हो रही है। आपको इसको हटा के चलाऊंगा इधर, ठीक है। ये इसका 2 बटन दिया हुआ है, एक रोबो करने के लिए, एक रोबो, देख लीजिए रोबो टाइप बना देंगे, ये रोबो के जैसा बन गया कार। अभी इसको ये रोबो बनाने के लिए, रोबो ऑफ करने के लिए, रोबो ऑफ करना दिया बटन दबाएंगे, देख लीजिए कार का जैसा बन गया। ये इसके अंदर बटन दिया फ्रंट बैक राइट लेफ्ट के। ओके, इसके अंदर टोटल अपने को 4 बटन्स मिलते हैं, ये रोबो करने के लिए, फ्रंट बैक राइट लेफ्ट के लिए, ठीक है।
इसको अभी रखेंगे, इसको हटाएंगे पहले मैट को ओपन। ये रोबो आपको इधर चला के दिखाऊंगा मैं, देख लीजिए। इसको ऑन कर देंगे रिटर्न, आपको रोबो को इधर चला के दिखाऊंगा, देख लीजिए। फ्रंट फ्रंट जा रहा है अभी, देख लीजिए। बैक लेंगे, घुमाना तो घुमा भी सकते हैं, देख लीजिए। एक जगह घूम रहा, कैसा लगा आपको मॉडल? 360 डिग्री रोटेटिंग हो रहा एक जगह पे ही, ये साइड करना ये साइड भी घूमेगा। ओके, फ्रंट इसको रोबो के टाइप करना, रोबो के टाइप भी करेंगे अपन, देख लीजिए। रोबोट बन गया है, एक कार के जैसा बना दिया। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। देख लीजिए इसके अंदर लाइटिंग ऑन ऑफ हो रही है, ठीक है। रोबोटिंग टाइप अभी अपने रोबोट बनाएंगे एक बार और रिटर्न। रोबोट बन गया रिटर्न, ठीक है। रोबोट में भी चला सकते हैं, डायरेक्ट चलाना है तो नीचे रख दिया। इसकी क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी दी हुई है, ठीक है। टायर की बात करें, टायर रबर के दिए हुए इसके अंदर, ठीक है। इसके साथ में चारों टायर इसके अंदर रबर के दिए हुए हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करें, बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी दी हुई है, ठीक है। इसके अंदर चार्जेबल बैटरी लगेगी, देख लीजिए। कार सेम टू सेम कार मॉडल, ट्रांसफॉर्मिंग टाइप यूज़ कर सकते हैं अपन। साउंड भी आ रहा है इसके अंदर, देख लीजिए, ठीक है। ये इसका रिमोट है, रिमोट भी बहुत अच्छा दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। इधर नहीं चल रही है क्योंकि घास के ऊपर है, चलने में इसको प्रॉब्लम हो रही है। इसको एक बार उठाएंगे रिटर्न, रोबोट बना दिया। ऐसा रहे तो ये चल सकती है, यहाँ के छोटा टायर दिया हुआ है इसके लिए प्रॉब्लम हो रही है इसको चलने में, ठीक है। कैसा लगा आपको मॉडल एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय, मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।